नमस्कार दोस्तों, मैं कारस सर्वक अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जहां हम रोज़ की वीडियो में कार्स की बात करते थे और कभी कभी बाइक्स की भी बात हो जाती थी, इसीलिए आज मैंने एक नए सेगमेंट को चुना है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईवी सेगमेंट के कुछ गाड़ियों के बारे में। इंडियन मार्केट अगर देखा जाए तो उसमें इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में ओला S1 Pro, TVS iQube, एथर, बजाज चेतक जैसे कॉम्पिटिटर हैं। और ये जानते हुए भी TVS अपनी नई स्कूटर TVS X को लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये गाड़ी आपकी ओला S1 Pro या एथर या iQube से कितनी अच्छी है, क्या वैल्यू फॉर मनी है नहीं, और ये गाड़ी उनका मुकाबला कर सकती है कि नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं। TVS X की बात करी जाए तो ये एक परफॉर्मेंस स्कूटर है, और इसके डिज़ाइन की बात की जाए तो ये गाड़ी TVS iQube से बिल्कुल अलग है। इनफैक्ट मार्केट में जितने भी स्कूटर्स हैं उनसे अलग है ये। प्राइसिंग की बात की जाए वो भी काफ़ी अलग है, तो आपके सेगमेंट में स्कूटर्स आते हैं ओला वगैरह से। चलिए अब हम इस स्कूटर के बारे में कुछ ज़रूरी बातें कर लेते हैं। इस स्कूटर की बात करें, स्कूटर में आपको की देखने को नहीं मिलेगी, जैसे आपको ओला में इस पासवर्ड डाल के खोलना पड़ता है, सेम वैसा ही आपको इसमें भी खोलना पड़ेगा। फ्रंट डिज़ाइन और कलर की बात करते हैं तो ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, और काफ़ी शार्प डिज़ाइन मुझे लग रहा है। हेडलाइट की बात करें तो काफ़ी अलग शेप में दिख रहा है और वेलकम फीचर्स के साथ आता है। इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो वो LED में दिए गए हैं, एंड नीचे की तरफ आपको कॉर्नरिंग लाइट्स का भी फंक्शन मिलता है। टायर प्रोफाइल की अगर बात करते हैं तो उसमें आपको 12 इंचेस के व्हील दिए गए हैं। के साइज़ की अगर बात करते हैं तो 100x80 और 12 इंचेस के आपको टायर मिल जाते हैं। अलॉय व्हील्स की बात करते हैं तो उसमें आपको डिस्क ब्रेक विथ ABS भी मिलता है। किसी भी सेगमेंट के स्कूटर में आपको ABS नहीं मिलेगा, चाहे जितना मतलब इलेक्ट्रिक रेंज की स्कूटर में आपको ABS नहीं मिलता है। तो अब इन सारी चीज़ों की इस गाड़ी में पैसे लिए गए हैं। अब आगे आगे देखते रहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स भी आपको मिलेंगे। इस स्कूटर की बात करते हैं तो इसमें काफ़ी एरोडायनामिक डिज़ाइन का यूज़ किया गया है। इस स्कूटर में प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादा किया गया है। इस स्कूटर की अगर पावर ट्रेन की अगर बात करते हैं तो 4.4 किलोवाट की बैटरी मिल जाएगी लिथियम आयन। पीक पावर की बात करें तो वो 11 किलोवाट की मिल जाती है आपको, और वहीं करीब 9.4 हॉर्स पावर मिलती है, और 40 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है आपको। टॉप स्पीड की बात करते हैं तो वो 105 मिल जाएगी। आपसे देखा जाए तो ये गाड़ी ओला से ज़्यादा महंगे प्राइस में आएगी, और मुझे नहीं लगता कि ओला से ये टक्कर ले सकेगी, क्योंकि ओला का जो पावर ट्रेन है वो बहुत मतलब इससे तो ज़्यादा ही है। फिलहाल जब ये गाड़ी मार्केट में आ जाएगी तब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बैक लुक की बात करते हैं तो आपको मोनोकॉक शॉकर्स मिल जाते हैं। शॉकर्स के नीचे आपको जैसे iQube में लाइट आती है, कुछ उस तरीके से आपको लाइट देखने को मिल जाती है। पीछे का भी साइज़, टायर का साइज़ वही है जिसमें आपको डिस्क दिया गया है। ABS नहीं है, सिंगल चैनल ABS आपको देखने को मिलेगा इसमें। पीछे का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है, एकदम मुझे लगता है थोड़ा सा एंटॉर्क जैसा लग रहा है मुझे। अब बात कर लीजिए ये स्कूटर चार्ज कहाँ से होगा, तो TVS ने इसमें बीच में स्पेस दिया है चार्जिंग के लिए, जो कि यूनिक लग रहा है। और स्कूटर्स की अगर बात करें तो उसमें आपको पीछे स्पेस वगैरह मतलब कि जैसे बैठने के लिए आपको स्पेस वगैरह मिलता है, इस स्कूटर में आपको बाइक वाला फील देखने को मिलेगा। और इस नए TVS X की रेंज की अगर बात करते हैं तो कंपनी क्लेम कर रही है 140 किलोमीटर्स की, उसके हिसाब से कम है रेंज। तो ठीक है, जब आएगी तो टेस्ट वेस्ट करेंगे, जैसे टेस्ट वेस्ट करने के बाद पता चलेगा कि क्या रिस्पॉन्स है इसके किलोमीटर्स का, रेंज का। इसमें आपको 10.2 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिसमें आपको म्यूजिक, हिल होल्ड कंट्रोल जैसे कनेक्टिविटी फीचर जैसे बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। ओला जैसे फीचर्स भी मिलेंगे, इसमें आपको स्पीकर भी इनबिल्ट मिलेगा, स्पीकर भी, और सड़क पे आप ये सारी हरकतें भी कर सकते हैं। स्क्रीन की बात करते हैं तो आप इसको टच से भी खोल सकते हो, और इसके लिए स्पेशली एक स्विच दिया गया है, उससे भी खोल सकते हो। इसके बूट स्पेस की अगर बात करते हैं तो आपको अप्रॉक्स 19 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो कि आप अपना एक हाफ हेलमेट रख सकते हो, फुल साइज़ का हेलमेट इसमें नहीं आ पाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा चार्जिंग सॉकेट का भी इंतज़ाम कर दिया गया है TVS के द्वारा। तो दोस्तों, कैसी लगी TVS X हमें कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।